और अब बात करें सरायकेला की, जहां गोदाम में 2,60,00,000 रुपए के चावल की फर्जी एंट्री। इस पूरे मामले में जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है। मनोज कुमार, शिवशंकर प्रसाद, अमरेंद्र कुमार और पवन कश्यप जांच करेंगे। बिहार स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के सरायकेला गोदाम में 8,670 क्विंटल चावल की फर्जी एंट्री कर दी गई है। खुले बाजार में इसकी कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करीब 2,60,00,000 रुपए होती है। माँ देवरी राइस मिल का था ये चावल। 20 से 24 फरवरी के बीच कुल 30 लॉट में चावल की ऑनलाइन फर्जी एंट्री की गई है। गोदाम अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने मामले की लिखित शिकायत एफसीआई मुख्यालय रांची के क्षेत्रीय प्रबंधन से की है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। चावल की फर्जी एंट्री एफसीआई के पदाधिकारियों की मिलीभगत और सुनियोजित तरीके से की गई है। मामला पूरी तरह से जाली है और गबन का है। चावल ना तो संबंधित मिल ने जमा किया गया और ना ही उन्होंने इसे रिसीव किया है। तो सरायकेला गोदाम में 2,60,00,000 रुपए के चावल की फर्जी एंट्री हुई और इस मामले में जांच टीम गठित की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।